There are two words, Kriya Yoga and Karma Yoga. Nalini Kumar, Kamal ji, aap haath upar uthaiye, niche kariye, phir upar kariye, niche kariye. Kya kar rahe aap? Haath upar niche kar rahi hu, karma kar rahi hu. हाँ, इसे कहते हैं कर्म योग. अगर उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो कर्म योग बन गया. जो भी कर्म होता है उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो कर्म योग बन जाता है. रोटी पका रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान रखें तो वो कर्म योग है. अब कोई मंत्र जापो आप, कोई भी मंत्र बोलिए. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारूपमेव बंधनान मृत्युर्मोक्षेयम अमृतात्. क्या कर रहे हैं आप? मंत्र का जाप. सो वो एक कर्म है. आप मुंह से कुछ कर्म कर रहे हैं. हाँ जी. तो जो कुछ भी आप कर्म करते हैं मुंह से या तन से या मुंह से या मन से कर्म करते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना कर्म योग है. अब सांस खींचिए, आप अंदर रखिए, बाहर फेंकिए. क्या कर रहे हैं आप? एक तरीके का प्राणायाम हुआ कि सांस ली फिर रोकी और फिर छोड़ी. यू आर डूइंग ए कर्म. कर्म करा. करेक्ट करेक्ट. कर्म किया तो अब आप हम और आप बातें कर रहे हैं तो सांस कौन ले रहा था? आप ले रहे थे क्या? नहीं. तो फिर कौन ले रहा है? क्या हो रहा है? कुदरती हो रहा है. जो भी कुछ हो रहा है वो सहज हो रहा है. सहज हो रहा है. उसे बोलते क्रिया बोलते हैं. उसे बोलते क्रिया. अब हार्ट है, हार्ट को कौन चला रहा है? क्या हो रहा है हार्ट में? आप कर रहे हैं क्या? वो क्रिया चल रही है. हार्ट बीट चल रहा है. कुदरत की है. सांस आते हैं जाते हैं वे अपने आप आ रहे हैं. तो जो कुछ क्रिया होती है शरीर में उसके साथ मिलना क्रिया योग होता है. आप नहीं करना तो आनापान से क्रिया योग हो गई है ना. हम कुछ भी नहीं करते, दखल नहीं देते हैं, इंटरफियर नहीं होते हैं. जो हो रहा है उसको देखते हैं. जैसा सूरज ऊपर आ रहा है हम देखते हैं सूरज को. सूरज ढल रहा है तो हम देखते हैं. हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट इंटरफियरिंग विद द सन. वी आर जस्ट वॉचिंग द सन. वो क्रिया घट रही है. सूरज सूर्योदय सूर्यास्तमय हो रही है तो हम देख रहे हैं. हम उसको कर रहे नहीं, कुछ कर रहे नहीं. कर रहे हैं क्या? सूरज के नीचे बुला रहे हैं क्या? नहीं. तो जो कुछ हम करते हैं उसके साथ रहते हैं तो कर्म योग बन गई. जो कुछ घट रहा है कुदरती उसके साथ रहे हैं तो क्रिया योग हो गई. तो माइंडफुलनेस क्या है सर? योग. किसी भी चीज के साथ रहते हैं तो माइंडफुलनेस है योग. कर्म योग. कर्म के साथ रहते हैं तो कर्म योग. भगवत गीता के पढ़ते हुए रहती है तो ज्ञान योग. सांस लेते तो ध्यान योग. योग इज माइंडफुलनेस. सर कम अगेन. योग मींस माइंडफुलनेस. कर्म योग मींस माइंडफुलनेस ऑफ योर कर्मस. क्रिया योग मींस माइंडफुलनेस ऑफ योर क्रियास. ज्ञान योग मींस माइंडफुलनेस ऑफ. Now when you are putting a question and listening to my answer, you are in Jnana Yoga. You are mindfulness of the knowledge that I am giving you. Mindfulness is yoga. Karma Yoga, Kriya Yoga, Hatha Yoga, Nadi Yoga, Jnana Yoga, sab kuch yoga hai. संसार योग. आप अपने घर घरेलू बातों को परिवार की बातों को ध्यान दे रहे हैं तो ये संसार योग हो गई. माइंडफुलनेस ऑफ योर फैमिली. आप बुद्ध बंधु चला रहे हैं ये माइंडफुलनेस है. कर्म योग है. माइंडफुलनेस इज नथिंग बट योग. तस्मात योगी भव अर्जुन. हे अर्जुन आप योगी बनिए. बी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग. तो ऐसा बात है.